वेलकम। नाइन्थ क्लास जनरल मैथ का लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.3। 1.3 में हमने पढ़ना है रेशो का कॉन्सेप्ट। जब भी वर्ड लिखा हुआ आता है रेशो, इट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब रेशो के लिए जो है वो हम डिवीजन का साइन भी यूज़ करते हैं, लेकिन रेशो का जो ओरिजिनल साइन है वो ये कॉलन वाला साइन होता है, ठीक है। लेकिन इस साइन का मतलब क्या है कि आप उस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइड करेंगे, सेम नंबर पे कैंसिलेशन करेंगे, या फिर आप उसको सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन है रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड लोएस्ट टर्म। पहली क्वांटिटी है ₹24, सेकेंड वन इज़ ₹6। अब ये ₹6 से कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे रेशो की फॉर्म में, कॉमास की जगह पर रेशो लगाया, कैंसलेशन करने लगे हैं, रुपीस कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 24 रेशो 6। 6 टाइम 1 इज़ 6 एंड 6 टाइम 4 इज़ 24। लोएस्ट टर्म है ये आपकी, ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखें, पहले इसको रेशो में चेंज करेंगे। 20 kg रेशो 5 kg। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 रेशो 5 रह जाएगा, kg कैंसिल हो गए, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 4 इज़ 20, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 20 cm, 80 cm, यहाँ पे पहले कोमा को हटाकर रेशो लगाएंगे। अब 20 0 0 से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, 2 टाइम 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम 4 इज़ 8, यही आंसर आ गया आपका। 5 मीटर एंड 5 मीटर, कॉमा की जगह रेशो लगाई, मीटर मीटर से कैंसिल, 5 टाइम 1 इज़ 5 एंड 5 टाइम 1 इज़ 5, तो 1 रेशो 1 क्या आ गया आपके पास, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखें, 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर कॉमा 1200 किलोमीटर। अब किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया और ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रहा, 15 एंड 12। ये दोनों नंबर्स आपने सेम टेबल के ऊपर डिवाइड करने होते हैं, जैसे 3 टाइम 5 इज़ 15 एंड 3 टाइम 4 इज़ 12। अब देखें, यहाँ पर 5 एंड 4 फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो हमारी रेशो क्या आएगी, 5 रेशो 4। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आता है तो भी ठीक है, उन्होंने रेशो में कहा था तो हमने रेशो में लिखा रहने दिया, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में कहते तो ये 5/4 हो जाता। नेक्स्ट देखें, आपके पास 150 एंड ₹275, ₹ से कैंसिल हो गए और 150 और 275 को हमने 25 के टेबल से कट किया, 25 6 are 150 एंड 25 11 times are 275। फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, दो रेशोज़ आपके पास गिवन है और उनका कंपैरिजन, यानी 2/3 एक फ्रैक्शन है, 3/5 एक फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया कि इस रेशो का मतलब क्या है, डिवीजन, तो आप इस रेशो को डिवीजन में चेंज करेंगे, 3/5 एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गए। अब हमें पता है कि जब भी हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और ये वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उल्ट जाती है। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5/3, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया एंड न्यूमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, 2 टाइम 5 इज़ 10 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, दिस वन इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम इसी तरह से है, 4/5 / 4/3, इसको चेंज करेंगे तो 4/5 × 3/4, वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो गई इसकी, उलट गई, 4 × 3 इज़ 12, 5 × 4 इज़ 20, कटिंग करेंगे इसकी, 4 × 3 इज़ 12 एंड 4 × 5 इज़ 20, ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/6 ratio 7/10। अब 5/6 की रेशो को डिवीजन में चेंज किया और 7/10 जो है वो एज इट इज़ आया, 5/6
डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई और वैल्यू उलट जाएगी। 5 टाइम 10 इज़ 50 एंड 6 टाइम 7 इज़ 42। 2 के टेबल पे कटिंग की तो 25/21 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13/40 और 3/20 डिवीजन में चेंज करेंगे रेशो को, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी। 20/3, 21/20, 22/40, 2 रिमेनिंग है, 2 टाइम 3 इज 6 एंड 13 एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 रेशो 1/6, 2/3 एज इट इज़, रेशो को कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में 1/6, 1/6 को जब हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 6/1, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 2 टाइम 2 इज 4। डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास 0 आता है तो हम 0 को ज़रूर मेंशन करते हैं क्योंकि उस 0 की वजह से आपका आंसर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये ऑब्वियस बात है कि आपके पास जहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर 1 मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/10 रेशो 20, ये भी सेम एज इट इज़ है, रेशो को चेंज करेंगे डिवीजन में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, मैंने 1 पुट कर दिया। डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में तो 1/20, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये 1/50, 10 टाइम 5 इज़ 50, तो 1/50 क्या आ गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/10 रेशो 2, इस 2 को चेंज करेंगे हम डिवीजन, रेशो को चेंज किया डिवीजन में तो 2/1, 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, मल्टीप्लाई किया कैंसिलेशन करके 3/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/10 रेशो 28/10, रेशो को चेंज किया डिवीजन में 12/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/28, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 12/28 रिमेनिंग, कटिंग करेंगे इसकी, 4 3s are 12 एंड 4 7s are 28। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 2/5 रेशो 1/3, डिवीजन में चेंज करेंगे रेशो को, डिवीजन में चेंज करके 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 3/1, 2 टाइम 3 इज 6 एंड 5 टाइम 1 इज 5, यही आपका आंसर है। आप लोगों ने इसको नीट कॉपीज पर लिखना है, रफ प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।